हे गाइस, वेलकम टू सत्य एट किचन। आज मैं आपके लिए भरवा करेले की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने धो करके करेले लिए हैं और इसे बॉईल करेंगे। अब यहाँ 3 प्याज 2 टमाटर 5-6 गार्लिक क्लोव्स 3-4 हरी मिर्च और अदरक लिया है। अब एक पतीले में पानी को फ्लेम के ऊपर रखना है, उसमें नमक ऐड किया है और इसमें मैं करेले ऐड करूँगी, यानी करेले को बॉईल करना है। तो पहले हिला लिया और उसमें करेले को डाल दिया और इसे 70% तक इसे बॉईल करना है। तो बॉईल करने के बाद इसके आगे के इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे साथ ही साथ। अब यहाँ मैंने 2-3 टेबलस्पून बेसन लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पानी और इसका मैं एक बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे भरवा करेले बनाने के बाद उसके ऊपर से इसे पेस्ट लगा देना है ताकि उसके मसाले निकल करके बाहर ना आ जाएं। और जब तक करेले बॉईल होते हैं तब तक ये सारी चीज़ें कर लेनी हैं। अब यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि करेले बॉईल हुए कि नहीं, तो ये हो चुके हैं और मैं इसे निकाल ले रही हूँ। अब इसे एक नाइफ से कट करना है और इसके अंदर का जो सीड है उसे निकाल लेना है। निकालते वक्त थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि ये बॉईल है तो थोड़ा सा अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो जो बॉईल करेला है वो भी कट जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको 70% कुक करने के लिए इसे बोला। तो इसी तरह से सारे करेले का सीड बाहर कर लेना है। जो दूसरा पार्ट है इसका, उसे भी, यानी कि इसी तरह से पहले एक करेले को कट करना है, फिर सारे सीड निकाल लेने हैं। अब एक पैन में 4 टेबलस्पून सरसों का तेल गर्म करें। अब आधा छोटा चम्मच जीरा डालें और उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालें और इसे कुछ सेकंड्स तक भूनें। मीडियम फ्लेम पर अब इसमें मैं ग्राइंड किया हुआ प्याज का पेस्ट डाल रही हूँ और इसे ऑयल सेपरेट होने तक भूनना है। ऑयल सेपरेट होने के बाद उबले हुए करेले के सीड और टमाटर का पेस्ट डाल करके इसे भूनना है, जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए, यानी कि टमाटर के अंदर जो पानी है वो भी पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए, तब तक इसे भूनना है। तो मीडियम फ्लेम रखना है और मीडियम फ्लेम में रखते हुए ही इसे भूनना है और आधा छोटा चम्मच हल्दी डालना है। उसके बाद 1 छोटा चम्मच भर करके कश्मीरी रेड चिली डाल करके इसे भूनना है। अब इसमें डालना है 1 छोटा चम्मच भर करके धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच भर करके गर्म मसाला पाउडर, नमक स्वादानुसार, और अब इसे मिक्स करना है और मिक्स करते हुए ही ऑयल सेपरेट होने तक इन सब मसालों को अच्छे से भूनना है। अब मैं इसमें चॉप्ड किए हुए कोरिएंडर लीव्स डाल रही हूँ और 1 लेमन जूस डाल दे रही हूँ और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। और इसी के साथ मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है, क्योंकि ये रेडी हो चुका है। और गाइस, इसे मिक्स करने के बाद इसे ठंडा होने देना है, लेकिन मैं आप सबसे ये ज़रूर बोलूँगी कि आप इसे थोड़ा सा टेस्ट करें इस मसाले को और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि इसका मसाला कैसा तैयार हुआ है। अब इस मसाले को
करेले के अंदर डालना है, भरना है अच्छे से। ये काम बहुत अच्छे से स्पून से हो सकता है, तो आप स्पून ले लें। और इसी तरह से जिस तरह से मैं इसके अंदर मसाले भर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से। तो यहाँ ज़रूरी है कि आप पहले इसे अच्छे से देखें कि मैं कैसे इसमें डाल रही हूँ। और इसे मसाले से भरने के बाद एक्स्ट्रा मसाला जो रह जाता है ऊपर, उसे इस तरह से निकाल देना है। और फिर जो बेसन का पेस्ट मैंने रेडी किया है ना, उसे इसके ऊपर लगा दे रही हूँ। तो अगर बेसन आपके पास ना हो तो आप मैदा या आटे का भी पेस्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से मैं एक और आपको दिखा दे रही हूँ कि इसे मसाले कैसे डालने हैं। तो इसी तरह से जितने भी बॉईल करेले हैं सबको इसी तरह से भर लिया है। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म किया है फ्राई करने के लिए, और इसमें मैं करेले डाल रही हूँ। और करेले को ब्राउन होने तक फ्राई करना है। कुछ देर के बाद इसे एक चिमटे से पलट देना है, यानी एक साइड से ब्राउन हो गया तो फिर उसे पलट करके दूसरे साइड से भी ब्राउन करना है। तो करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ब्राउन हो गए हैं, और इसे मैं एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। और आप अच्छे से देख लें कि इसे इतना ही ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा कर दिया तो वो करेला जला हुआ करेला हो जाएगा। तो बचे हुए और जो करेले भरवा मैंने जो मसाले से भर लिए थे उसे भी मैं फ्राई कर ले रही हूँ। तो भरवा करेले की रेसिपी आपके सामने में है, आप इसे बनाइए, खाइए, कमेंट करके मुझे बताइए। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।